हेलो स्टूडेंट तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू दियर बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर वो या तो फ्रेंडली बिहेव करते हैं या तो फिर वो हार्मफुल बिहेव करते हैं तो हम लोग पहले फ्रेंडली बिहेव के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल फॉर द अस आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वैसा सूक्ष्म जीव जो हम लोग के लिए आवश्यक होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है सर्टेन एरियाज़ इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर अस यार यानी कि कुछ ऐसा एरियाज हैं कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसके अकॉर्डिंग वो हम लोग को ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं वो देख लेते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड ब्रेड केक ई टी सी यानी कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्ड दही बनाने में ब्रेड बनाने में केक बनाने में हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहल बनाने में भी हम लोग को इसकी ज़रूरत होती है इन द क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट वाई द ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक वेस्टेस इन टू द हार्मेस एंड द यूजबल सब्सटांसिस और हम लोग क्या है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी इसका यूज़ करते हैं और क्या करता है कि ऑर्गेनिक किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को भी वे तोड़ करके रख देता है ब्रेक डाउन कर लेता है हार्मलेस हार्मलेस सब्सटांस में एंड यूजल सब्सटांसिस में ठीक है इसके बाद है इन द प्रिपरेशन ऑफ द सर्टन मेडिसिन और इसका हम लोग किसी खास मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं इन द एग्रीकल्चरल फॉर इम्प्रूविंग द सोइल फर्बिलिटी हम लोग क्या है अपने खेती में भी क्या है कि आप लोग किसान वगैरह किसान लोग जो है फर्टिलिटी को यानी कि सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं मेकिंग ऑफ द कर्ड एंड ब्रेड हम लोग देखते हैं कि वर्ड एंड ब्रेड एंड कर्ड किस तरीके से बन पाता है वो हम लोग देखते हैं दी बैक्टेरियम इलेक्ट्रोवेलिस इलेक्ट्रोवेलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क एक बैक्टीरिया है जो कि लेक्टोबैसीलिसस है वो क्या करता है किसी भी मिल्क को प्रमोट करता है दही बनने में यानी द बैक्टीरियम रेनिन इज़ द यूज इन द चीज़ प्रोडक्शन और द बैक्टीरिया रेनिन जो यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो बैक्टेरियन का नाम आ रही है लेक्टोबैसीलिसस एंड द रेनिन ये क्या है यहाँ पे द बैक्टीरिया जो है यूज हो रहे हैं रेनिन जो है कि चीज़ बनाने में चीज़ का प्रोडक्शन करने में बैक्टीरिया में रेनिन का यूज होता है इश्ट इज द यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट और इस्ट का हम लोग यूज करते हैं बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में ठीक है ब्रेड एंड केक्स एंड द फूड आइटम्स लाइक इडली डोसा ढोकलाइट इज द आल्सो यूज टू इम्प्रूव द फ्लेवर टू द सर्टेन टाइप्स ऑफ द चीज इट इज़ द बेनिफिशियल फंगाई और ये क्या है ईस्ट इज एस्ट जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल फंगाई है ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं ईस्ट कॉज फर्मेशन फर्मेंटेशन ऑफ द ड्रफ यानी मिक्सर ऑफ द ऑल इनग्रीडियंट्स एंड द लाइब्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पायसन ऑफ द इश्ट मेक द थाउ टू राइज और होता क्या है कि जब इष्ट कहीं पर भी हम लोग क्या करते हैं हम लोग को जो आटे वगैरह हैं फिर या फिर उसमें हम उसको मिलाकर कर गूँध देते हैं यानी मिला देते हैं और तो क्या होता है कि वो रिस्पायरेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लाइब्रेट करता है छोड़ता है ठीक है वो क्या होता है उसके कारण वो उसका साइज़ भी डैम्प कर जाता है बड़ा हो जाता है ठीक है ऑन द बेकिंग हीटिंग द डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड ई एस्के मेकिंग द फूड आइटम पोरस एंड द फ्लफ़ी पोरस मतलब हल्का एंड फ्लफ़ी वो बना देता है ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिविटी आप लोग के यहाँ पे आई है टू द स्टडी द एक्शन ऑफ द कड और द इश्ट ऑन द मैदा डफ और मैदा में इसका क्या स्टडी होता है हम लोग देखते हैं कड का कड़ मतलब उसमें भी क्या होता है इष्ट की मात्रा होती है यानी मैदा पाउडर राइस उरा दाल मिक्सर और कड जो या फिर इश्ट है या पार्चे से क्या है हम लोग एक ग्लास स्टेनलेस स्टील बाउल ले लेंगे या फिर ग्लास या स्टेनलेस स्टील एक बाउल ले लेंगे ठीक है प्रोसीजर यहाँ पे है फॉलोइंग द स्टेप ऑफ बिलो पहले हम लोग क्या करेंगे टेक अबाउट हंड्रेड ग्राम मैदा इन ए बाउल एंड मिक्स इट विथ लिटिल वार्म वाटर एंड द अबाउट थर्टी टू फोर्टी ग्राम ऑफ द कर्ड और ए लिटिल इस्ट या तो फिर हम लोग क्या करेंगे कर्ड और लिटिल इस्ट के अकॉर्डिंग थर्टी टू फोर्टी ग्राम और हंड्रेड ग्राम मैदा में क्या कर लेंगे उसको मिक्स कर लेंगे नीड इट टू ए सॉफ्ट डफ और उसके बाद हम लोग इसको साउंड लेंगे सॉफ्ट तो कर लेंगे लिव इट एट द वार्म प्लेस अराउंड थर्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट थ्रू थ्री आवर मतलब हम लोग दो से तीन घंटे के लिए इसको क्या कर लेते हैं कि थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड या थर्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम लोग छोड़ देते हैं डिड यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन इट ऑफ अब देखेंगे आप उस आटे में क्या आप उस चेंज पाते हैं मैदा प्लस यहाँ पे देख रहे हैं स्पीकर में यहाँ पे शो कर रखा है मैदा प्लस ईस्ट और टू आवर के लिए रख दिया है तो उसके बाद एक टफ जो बन गया है राइज फर्मेंटेशन फर्म हो गया है यानी ऑब्जर्वेशन जो हम लोग देख रहे हैं दी मैदा डफ राइजेस आप इन द बिकम फ्लफी और वो फ्लफी हो रहा है यानी दी ईस्ट प्रजेंट इज द कर्ड एंड रिपोड्यूज रैपिडली ठीक है प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पायरेसन दी वबल्स ऑफ द गैसेज फिल द डफ एंड द मेगेट द राइज और क्या होता है इसके कारण वो फुल सा जाता है फूला हुआ हो जाता है अब हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस तरीके से वाणिज्यिक स्तर पे यानी कॉमर्शियल यूजेज का मतलब वाणिज्यिक स्तर पे हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं तो सर्टिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूज इन इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री टू मैनुफैक्चर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज को हम लोग अपने उद्योग तरीके में भी यूज़ करते हैं मैनुफेक्चर करने में उत्पाद बनाने में फॉर लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे अल्कोहल फ्रॉम शुगर और स्टार्च और हम लोग को शुगर और स्टार्च के थ्रू अल्कोहल बना लेते हैं वाइन फ्रॉम फ्रूट जूस और वाइन जो है यानी शराब हम लोग फ्रूट जूस के अकॉर्डिंग बुलाते हैं वाई द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ों को सम्पन्न करवा पाते हैं फरमेंटेशन हम लोग देखेंगे द एजामिक दजामेटिक ब्रेक डाउन ऑन ए लार्ज ऑर्गेनिक मोलिक्यूल इंटू अस्मॉलर वस इन दबसेंस ऑफ द एयर इज द कॉल्ड फरमेंटेशट मींस कहने का मतलब है कि किसी भी एक लार्ज ऑर्गेनिक मोलिक्यूल होता है वो क्या करता है स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में वो, वो क्या होंगे टूट जाएंगे ब्रेकडाउन हो जाते हैं और वो अब्सेंस ऑफ एयर में तो क्या कहलाते है? हैं वो फर्मेंटेशन कहलाते हैं अल्कोहल इज सॉफ्ट फ्रॉम द शुगर बाय द फर्मेंटेशन विज ईस्ट और क्या करता है वो ईस्ट के थ्रू वो अल्कोहल को प्राप्त करता है एंड ईस्ट कॉन्टेंट द इन्जाइम जैमेस इंजाइम्स जैमेज एंड एंड इन्वर्टेज और क्या करता है वो शुगर को पहले क्या करेगा जैमेज कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में और फिर ग्लूकोज को इन्वर्टेज करता है इथाइल अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड यार इथाइल अल्कोहल इज अल्कोहल आप ध्यान रखेंगे ये वो अल्कोहल का ही एक पार्ट है ठीक है तो आप इस इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि शुगर को जब हम लोग क्या करते हैं ब्रेकडाउन करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है फिर ग्लूकोज को मतलब हम जब इन्वर्टेज करते हैं तो इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ठीक है डू डिमोन्स्ट्रेट द फर्मेंटेजर ऑफ शुगर हम लोग फरमेंटेशन किस तरीके से शुगर का करते हैं शुगर और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिमॉन्सट्रेट कर देंगे यानी सुगर कॉनिकल फ्लास्क इस्ट मेटेरियल रिक्वर्ड है हमारे पास और इसका प्रोसीजर है टेक अब टू हंड्रेड फिफ्टी एम एल एंड द कॉनिकल फ्लास्क एंड टेबल स्पून ऑफ एगर यूनिट एंड हाफ ए स्पून ऑफ द ईस्ट पाउडर टू द सुगर दोल्यूशन एंड दीर ऑफ दोल्यूशन स्टेप ऑफ ऑन ए फ्लास्क एंड अलाउ इट इट द to टू थ्री और फोर in इन warm places then देन the smell then देन smell द solution इसके बाद क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि पहले क्या रखेंगे कुछ एक हंड्रेड एम टू फिफ्टी एम एक बाटर ले लेते हैं उसके बाद को ना कौन फ्लास्क टेबल क्या रखते हैं चम्मच हम लोग चीनी डाल देते हैं उसके बाद फिर उसमें हम लोग इस्ट वगैरह डाल देते हैं हाफ और दो तीन घंटे के लिए उसको हम लोग फ्री गर्म स्थान पर रख देते हैं तो उसमें से एक ऐसा स्मेल आएगा एल्कोहल की जैसा एक स्मेल आएगा ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिलता है यहाँ पे कल दी सोलूशन स्मेल लाइक अल्कोहल के जैसा वहाँ से क्या आता है इसके बाद है कंक्लूजन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ द इस्टोज द फर्मेंटेशन प्रोड्यूसिंग द अल्कोहल शुगर में भी क्या है ईस्ट पाया जाता है और जो कि अंडरगोज क्या होता है फर्मेंटेशन के अकॉर्डिंग वो अल्कोहल को यहाँ से रिलीज कर देता है मेडिकल यानी कि मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं द एंटीबायोटिक्स इन द इंडस्ट्रीज आर द मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रुपिंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द कलेक्ट कंट्रोल्ड कंडीशंस अब होता क्या है कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर, क्या करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटीबायोटिक बनाने में भी हम लोग यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक आर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन्स एज वेल एज द एनिमल्स और एंटीबायोटिक का हम लोग यूज करते हैं किसी को इन्फेक्शंस को क्या करने में समाप्त करने या तो वो मानव में हो या फिर क्या हो पशु पक्षी या जानवर में हो ठीक है एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर और हम लोग एंटीबायोटिक्स को तभी यूज़ करना चाहिए तो वो, वो मतलब किसी के एडवाइस के अकॉर्डिंग हम लोग को इसका यूज़ करना चाहिए डू नॉट टेक द एंटीबायोटिक्स इफ़ नॉट नीडेड अगर ज़रूरत नहीं हो तो फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स को ये नहीं लेना चाहिए द एंटीबायोटिक्स नॉट रिक्वायर्ड मेक किल द बेनिफिशियल्स एंड द हार्मफुल बैक्टीरिया ठीक है और वो क्या होता है कभी कभी अगर हम लोग की जरूरत नहीं होता फिर भी हम लोग अगर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो हम लोग के बॉडीज के अंदर जो बेनिफिसियल जो या फिर हेल्पफुल बैक्टीरिया है उसको क्या करता है नष्ट कर देता है इसके बाद हम लोग देखेंगे वैक्सीन यानी टीका ठीक है अनदर वे टू द प्रिवेंट डिजीज इज द इम्यूनाइजेशन 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 इज द डन बाई द यूजिंग वैक्सीन इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है हम लोग को पावर सिस्टम इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होता है स्मॉल डोज ऑफ द पेकेंट और द काइल्ड डिजीजेज कॉजिंग द माइक्रोब्स नीड टू द इम्यूनस द बॉडी अगेंस्ट द दर्टिकुलर डिजीजेज कॉल्ड वैक्सीन्स वैक्सीन होता है क्या है कि एक टीका जो होता है किसी भी जो यहाँ पे वायरसेस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसी का वो तो मारा हुआ मरा हुआ है या तो फिर वीकेंड वीकेंड मतलब उसी का एक कमज़ोर रूप एंटीबॉडीज होता है जिसका यूज़ किया जाता है उस वैक्सीन के अंदर टीके के अंदर उसी हम को हम लोग वैक्सीनेशन बोलते हैं वैक्सीन बोलते हैं ठीक है वैक्सीन शुड बी द केप्टोर एट द लो टेम्परेचर वैक्सीन को हम लोग हमेशा रखना चाहेंगे लो टेम्परेचर में रखना भी चाहिए ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं डू यू नो मनी अगर Microorganisms, bacteria, fungi, and the molds produce certain chemical species in the evening in the growth of the, some other microorganisms, such as the chemical compound, Are the known as the antibiotics. The first antibiotics, penicillin, was discovered by the Alexander Fleming in the 1929 from the mold Penicillium notum. And the penicillium is the use to the cure and the many macrobacterial diseases. Other well-known antibiotics.